देर से खाने का वेट कर रहे हैं। अरे इतनी देर में तो होटल से खाना मंगवा लेते। और पैसे हैं तेरे पास या तेरे पियो ने भिजवा दिए? आप ही ना कुछ भी बोलते हैं। दीदी हम लोग भी एक काम करते हैं, कल से ना गुरुद्वारे जाकर लंगर खा लेंगे ताकि वक्त पे खाना तो मिल सके। कल की कल देख लेंगे, पर आज क्या करें, भूख से जान निकली जा रही है। एक काम करती हूँ दीदी, मैं किचन में जाके ना आपके लिए कुछ स्वीट और नमकीन ले आती हूँ। जा देख ले। ओहो क्या कहा था लिया ने, पहले लेफ्ट राइट फिर ऊपर, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ऊपर, पहले तन्नू तू मिल गई, जाके जरा किचन से कुछ नमकीन लिया। और सुन वो तेरी दोस्त है ना, कब पकाएगी क्या करेगी? अरे तेरा ध्यान कहाँ? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। कमाल है, मैंने तो सुना था कि लोग मुसीबत को सर पे बिठाते हैं, लेकिन यहाँ तो अम्मी ने मुसीबत को गोदी में बिठाया हुआ है। अभी अभी रुको, तुमने इसे गोद में क्यों उठा रखा है? उतारो इसे अभी के अभी। मैं इसे उठाकर घर से बाहर फेंकने वाला। इसे घर से बाहर फेंका जाए या नहीं? इसे बाहर फेंका जाए या नहीं? हाँ। देखा तुमने, सब लोग तुम्हारे कितने अगेंस्ट हैं। बुराई को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया है ना, देखो। काश कि मैं ये कर पाता, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझे ऑर्डर देने की कोशिश भी की ना, तो सच में उठाकर बाहर फेंक दूंगा घर के। हाँ दादी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर इसने आप लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश भी की ना, जस्ट कॉल मी, ऑलराइट? बढ़िया, ये ऑर्डर दे लो। मिस्टर मेरा, ये घर है, कोई होटल नहीं कि आपको 24 घंटे रूम सर्विस मिलेगी। 10 बजे से पहले घर आ जाइएगा वरना खाना नहीं मिलेगा। अरे खाने को अपने खजाने में डालकर आचार बना लेना। खाना नहीं मिलेगा। क्या है, अब तुम भी मुझे गोद में उठाओगी? नहीं नहीं तो मैं क्यों? हाउ अनोइंग यू आर, हर मिनट में बजते हो। क्या करना है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये तुम कर क्यों रही हो? ऐसे कोई खाना बनाता है? इतनी प्रॉब्लम है ना तो खुद आकर बना लो। ये काम प्रज्ञा ने तुम्हें करने के लिए बोला है, तो फिर मैं क्यों करूँ? तो आपको क्या काम दिया, मुझ पर नजर रखने का? नजर रखने के लिए नहीं, मैं तो वो जूस लेने के लिए आई थी फ्रिज में से। वो रीता माँ के पास में गए थे ना, उन्होंने मुझे व्रत रखने का बोला है संडे का, तो मैंने सोचा क्यों ना कल का आज ही खा पी लूं, तो कल टेंशन नहीं रहेगा ना। लिसन, बाहर जाकर किसी को बताना मत कि मैं ऐसे देख देख कर खाना बना रही हूँ, ओके? मैं क्यों बताऊंगी कि तुम वो वीडियो देख के खाना बना रही थी, लेकिन जो भी बनाना ना अच्छा ही बनाना। हाँ नहीं मतलब तुम अच्छा ही बनाओगी, जा रही हो ना? आलिया तुम्हें भी जूस दूँ? आई होप तनु अपना काम ढंग से कर दे। लगता है दीदी को मैसेज करने का टाइम आ गया। दुश्मन ऑर्डर पार करने की
तलाश में है। एक्शन लेने का टाइम करीब आ रहा है, आज तो उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। लो भाई खाना आ गया। हमें तो लग रहा था कि ब्रेकफास्ट में ही खाना मिलेगा। माँ खड़ी खड़ी देख क्या रही, जगह बनाइए ना खाने के लिए। So, presenting to you Hungarian potato for hungry people. Stuffed lucky. और ये है थाई स्टाइल राइस, विच इज वेरी नाइस। चलिए खाते। हाँ, कैसा लग रहा है? अद्भुत, बहुत खूब है। तो आप लोग खाना क्यों नहीं ले रहे? वेट, मैं सर्व करती हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट बेबी गनोश। दादी आपने कुछ क्यों नहीं लिया? खैरियत, ये लीजिए आपके लिए। रहने दे। और ये लीजिए चावल। डोर बंद करूं या नहीं? नहीं, खुला ही रहने देती हूँ। बंद होगा तो किसी को शक हो जाएगा। कहाँ रखा होगा प्रज्ञा ने वो बैग? उठो, मुझे ध्यान से तनु, ध्यान से। रूम जैसा था वैसा ही रखना होगा, क्योंकि चोरी का इल्जाम हमें रोनी पे लगाना है। से नहीं बच पाया। पैसे मेरे हाथ लगी गए। अब इन पैसों से लॉयर हायर करेंगे, वो इस घर से बाहर जाएगी और मेरी अभी से शादी होगी। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम क्या सबको बताओगी? मैं ही सबको बताती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हर किसी को अपनी बात बोलने का मौका मिलना चाहिए। दादी देखिए, इस प्रज्ञा ने मुझे मुझे थप्पड़ मारा। आपकी होने वाली बहू को थप्पड़ मारा। हाय मैं मार जा। तूने इसे थप्पड़ मारा? देखो तो, अरे बाप रे, इतना कस के थप्पड़ मारा, तो मुंह लाल हो गया। हाय, शक्ल से बेशकल कर दिया बेचारी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको इतना कस के थप्पड़ मारने की? पता नहीं दादी, इसे क्या दुश्मनी है मुझसे। सब कुछ तो छीन लिया मेरा, अब कितना टॉर्चर करेगी। फिर तो सिर्फ इसकी जुबान चलती थी, अब तो इसका हाथ भी चलने लगा। दादी ना इसने मेरी प्रेगनेंसी का ख्याल रखा ना आपका लिहाज रखा। दादी अभी को फोन कीजिए, उसने कहा था ना कि अगर ये टॉर्चर करे तो उसे फोन करे। अभी को फोन करो, जस्ट कॉल हिम। मुझे यही करना चाहिए, मैं अभी फोन लगाती हूँ अभी को। दीदी अभी को तो हम बुला ही लेंगे, पहले आप प्रज्ञा से पूछिए कि इसने तनु पे हाथ क्यों उठाया है। फोन लगाती हूँ अभी को। दीदी अभी को तो हम बुला ही लेंगे, पहले आप प्रज्ञा से पूछिए कि इसने तनु पे हाथ क्यों उठाया है। हाँ भाई, तू मेरी होने वाली बहू को थप्पड़ क्यों मारा?
इस घर में किसी नौकर को भी थप्पड़ नहीं मारा जाता और तूने अभी के होने वाली बीवी पे हाथ उठा दिया। क्या चाहती है प्रज्ञा तू? अब इस घर में क्या हम आजादी से घूमे फिरे भी नहीं? हर चीज क्या तेरी मर्जी से होगी? घूमने फिरने में कोई मनाही नहीं, लेकिन मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आना मना, इनफैक्ट क्राइम है। लो वो रूम जो है ना, वो मेरे मेरी तनु के होने वाले पति का भी तो है ना। होने वाले पति होने वाला है, पति है नहीं। जब तक पति बन नहीं जाता तब तक ये उस कमरे के आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? मतलब तुमने थप्पड़ क्यों मारा तनु को? तुम बोलकर भी तो समझा सकती थी, हाथ पसंद की क्या जरूरत है? जो कोई एक बात बार बार समझाने पर भी नहीं समझे तो आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना पड़ता। एंड आई होप ये बात मुझे आपको बार बार नहीं समझानी पड़ती। क्या समझाना चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम्हारी बात मानूं? वैसे भी तुम कहती हो ना फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, तो दोबारा मुझ पे हुकुम मत चलाना, हाथ उठाना मुझे भी आता है। शट अप! बहुत ज्यादा नहीं बोल लिया तुमने अपनी सफाई में? अब मैं सबको बताती हूँ तुमने आखिर किया क्या। तनु मेरे कमरे से ये ब्रीफकेस चुराने की कोशिश कर रही है। ओ गॉड जी, रीता माँ की भविष्यवाणी तो सही हो गई। उन्होंने तो कहा था कि ये तनु के कर्म ना इसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले। इसे क्या जरूरत पड़ गई पैसे चुराने की? हाँ, ये तो पहले ही इतना कमाती है, इसी की जरूरत तो मुझे है। प्रज्ञा ये तू क्या बोल रही है? अच्छी खासी मॉडल है वो, लाखों की कमाई है, लाखों का बैंक बैलेंस है, फिर वो भला चोरी क्यों करेगी? दीदी आप चुप क्यों हैं? देखिए ना कैसे तनु पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये। क्यों भाई, तू इतना बड़ा इल्जाम इस पर क्यों लगा रही है? हाँ दा, पूछिए ना ऐसे। मैं तो मॉडल हूँ, मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, तुम्हें इस बैग से पैसे क्यों चुराऊंगी? क्यों चुराऊंगी मैं पैसे? ब्रिलियंट, थैंक यू तनु, तो खुद साबित कर दिया कि तुम कमरे से क्या चुराने आई थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुमने ब्रीफकेस चुराया। ब्रीफकेस में पैसे हैं ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें पता कैसे चला? कहीं ये बेवकूफ तनु मेरा नाम न लेते। हाँ, जब गलती से ये बैग मैं इन दोनों के पास छोड़ के गया ना, तो ये लोग बैग को ताक भी रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा था, पर ये लोग ना बैग के ऊपर नजर भी लगा के रखे थे। हाँ, जस्ट शट अप, इनफ। रॉनी, तुम उन्हीं सवालों का जवाब दिया करो जो मैं पूछती हूँ। जी। अब तो तुमने खुद साबित कर दिया ना कि तुम पैसे चुराने के लिए मेरे कमरे में आए। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा ना कि तुम्हें पता था कि इस ब्रीफकेस में पैसे हैं, तो फिर तुम मेरे कमरे में इस ब्रीफकेस में क्या मेकअप का सामान ढूंढ रही थी? दादी, दादी देखिए ना इसे, ये कितनी चालाक है ये। अपनी तनु को, भोली वाली तनु को अपनी बातों में फंसा रही है, कितनी चालाक है। तुम बताओ ना अपनी दादी को कि तुम मेरे कमरे में ये ब्रीफकेस पकड़कर क्या कोई मॉडलिंग कर रही थी? वो मैं एक्चुअली बोल बोल बेटा। सीडी लेने गई थी जो अभी ने मुझे कहा था लाने के लिए। बस सब कहा था लाने के लिए? थोड़ी देर पहले वो इस घर से बाहर गए थे हम सबके सामने, तो कब कहा तुमसे? तो
मैसेज करके दिखाओ, मैसेज मैसेज दिखाओ। फिलहाल फोन नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां पर है। लेट मी हेल्प यू। रॉनी, तनु मैम का फोन देना जरा। ये लीजिए दीदी। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखकर भूल गई थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास था ही नहीं, तुमने मैसेज पढ़ा कब? बहनदारी कर रही हो मेरी? चल पुलिस को तो मैं फोन कर ही चुकी। अब तुम्हारे पास इतना ही वक्त है जितना कि पुलिस वालों को लगेगा पुलिस स्टेशन से इस घर तक पहुंचने में। अभी भी कह रही हूँ अपनी गलती मान लो, और बदले में ना मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगी। जेल में तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी चोर तो तुम हो। आप लोगों को इसमें शक नहीं हो रहा? पहले इसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी और फिर ये मुझे चोर कह रही है। सबसे बड़ी चोर, फ्रॉड और चीटर तो ये है। आई अग्री। और पता क्या तनु, तुम ना जैसे ही अपनी सजा काट कर बाहर आओगी ना, सबसे पहले मुझ पर केस कर। लेकिन मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रही, तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतने दिन जेल में रहोगी कैसे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दिन नहीं नहीं, महीना भी नहीं, तुम्हें तो साल लग जाएगा। और फिर तुम्हारा बच्चा तनु, तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा तो तुम सबसे कहोगे क्या? इतने बड़े रॉकस्टार का बच्चा जेल में पैदा हो रहा है। आई नो, अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मुझे याद है जिस दिन तुम जा रही थी मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया था, तुम्हें चोर साबित करने की कोशिश की थी, उसी का बदला ले रही हो ना तुम, इसलिए मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। बैड फॉर यू, तुम अभी भी इतनी बातें लेकर बैठी। ये एक दूसरे से बदला लेना, लड़ना झगड़ना, ये टॉम एंड जेरी का खेल ना बच्चों वाली बातें। इट्स टाइम टू ग्रो अप। और अगर तुम ये बेकार की बातें करना बंद नहीं करोगी ना, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सच सबके सामने बोल दूंगी। जल्दी वापस आ जाना। रुकिए, अलिया। बस बहुत हो गया। अगर एक घंटे में तुमने मुझे जेल से नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगी कि मुझे चोरी करने के लिए तुमने बोला था। मैं जैसे भी करके तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन खबरदार अगर बोला तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिस प्रज्ञा, इन्हें अपने साथ ले जाने से पहले एक बार बैग चेक कर लीजिए कि आपके पैसे पूरे हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो रिकवरी करने मुझे अच्छी तरीके से आती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैडली मैंने इसे बैग खोलने का टाइम ही नहीं दिया, उससे पहले ही बेचारी पकड़ी है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? ये
माय गॉड, बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा झूठ। प्रज्ञा मुझे उस चोरी के इल्जाम में फंसा रही थी जो पैसे इस ब्रीफकेस में है ही नहीं। मेरा झूठ सबके सामने लाना चाहती थी, तुम्हारा सच सबको पता चल गया। मुझे चोर साबित करवाना चाहती थी और खुद की चोरी पकड़ी गई। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट मुझे नहीं, अरेस्ट इसे कीजिए। मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए, झूठी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, अरेस्ट सर। क्या हुआ मिस प्रज्ञा अरोड़ा? अब इसे चोर नहीं बुलाओगी? बोलोगी नहीं कि इसने चोरी की है, इसे अरेस्ट कर लो? सडनली तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अरेस्ट तनु को नहीं, अरेस्ट इसे कीजिए। जानते इसने क्या किया? भाई के साइन लेकर धोखे से पूरा घर सब कुछ अपने नाम कर लिया। हम सबको टॉर्चर करती रहती है, हम सबको मजबूर कर रही है कि हम एक एक करके ये घर छोड़कर चले जाएं। और तो और, ये देखिए, इस ब्रीफकेस के लिए इस घर की होने वाली बहू को चोर करार दे रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। जिस हिसाब से ये जा रही है ना, कहीं एक ना एक दिन हम सबको मारने का प्लान ना बना ले ये। इंस्पेक्टर साहब, बैग में पैसे थे। थे, थे, थे मत करो, प्रूफ दिखाओ। प्रूफ है तुम्हारे पास? एक मिनट, प्रूफ है? रोनी, जब बोला जाए तभी बोलो, बीच में मत। और मैंने कहा ना, बोलो नहीं दिखाओ, ओके? बोलो, मैं पूछ रही हूँ, प्रूफ है या नहीं? मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। दीदी, रूम में ये बैग रखने से पहले ना, मैंने रूम के अंदर एक कैमरा इंस्टॉल किया था। उसकी फुटेज से पता चल जाएगा कि इस बैग में से पैसा किसने चोरी किए हैं। थैंक यू सो मच रॉनी, वेरी वेरी गुड जॉब। तो मुझे बताओ वो कैमरा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, सुनो भी। कैमरा कहाँ है रॉनी? जी उधर। जल्दी जल्दी निकालो। दीदी, मैं अपना लैपटॉप लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर क्लियर नजर आएगा। है कहीं तुमने सच में तो बैग के अंदर से पैसे नहीं निकाल लिए? कहीं तुमने सच में तो मुझसे पहले खुद पैसे नहीं निकाल लिए? व्हाट रबिश, तुम अच्छे से जानती हो कि उस वक्त मैं किचन में खाना बना रही थी। तो फिर पैसे गए कहाँ? डोंट वरी, कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तो ये सब क्या, और ये सारे लोग ऐसे क्यों खड़े, और पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? आपको शायद पता नहीं है, यहाँ चोरी हुई है और हम चोर को पकड़ने आए हैं। आपसे किसने कहा कि यहाँ चोरी हुई है, और आपको बुलाया किसने? और कौन कर सकता है पूरा? तुम्हारी प्यारी प्रज्ञा देवी। ये तो फिर से चेक करने पर भी अभी सेम टू सेम से किस... क्या इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्टर साहब, आपको भाई को अरेस्ट करना पड़ेगा इस चोरी के लिए? हाँ,
देखिए अब चोरी तो हुई है और कंप्लेंट की गई है और चोर भी साफ साफ दिख रहा है, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी घर पर नहीं है और आप लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रॉक स्टार है और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना ये सब कुछ अभी का, वो अपने घर में चोरी क्यों करेगा? देखियो जो भी हो हमें अपना काम करना पड़ेगा, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वीडियो में दिखने से क्या होता है, ये सारी कमाई अभी की है, वो तो उसे प्रज्ञा ने छुपा के रखा था। अब भला अपने पैसे लेना भी कोई जुर्म है क्या? आपको अरेस्ट करना ना तो इसे अरेस्ट कीजिए, इसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। तनु प्लीज शट अप, तुम जानबूझकर खुद को बचाने के लिए किसी और पे इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम तो तुम लगा रही हो, पहले मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया और अभी, पर तुम तो यही चाहती थी ना कि अभी पकड़ा जाए, इसलिए तुमने डायरेक्टली अभी पे इल्जाम नहीं लगाया और पहले मुझे चोर साबित किया ताकि ये वीडियो दिखा सको और इसी बहाने अभी पकड़ा जाए, राइट? तनु जस्ट रिलैक्स, ओके? इसने जो करना था वो कर दिया, अब हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई को इस प्रॉब्लम से कैसे निकाले। अभी को तलाश करो और जैसे मिले उसे अरेस्ट करो और पुलिस स्टेशन ले करो। आपको पता है मेरी कोई बहन नहीं है और नहीं है तो इस चीज का मुझे कोई अफसोस भी नहीं, लेकिन हाँ मैं जब से आपसे मिला हूं मुझे लगा कि काश मेरी भी कोई बहन होती। नहीं, जरूरी तो नहीं है ना कि बहन भाई के रिश्ते के लिए किसी खून के रिश्ते का होना जरूरी है। पता नहीं इस घर में क्या कॉम्प्लिकेशन है और अभी सर के साथ में आपकी क्या प्रॉब्लम से ये भी नहीं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं दीदी, लेकिन है इतना जरूर जानता हूं दीदी कि आप अभी सर से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बहुत चाहती हैं, आप उनका रेस्पेक्ट करती हैं, मैं भी आपके रेस्पेक्ट की कदर करता हूं। आपने मुझे पीए रखा है अपना, लेकिन मैं आपको दिल से बहन मानता हूं और भाई होने के नाते मैं आपको बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकता, कभी नहीं दीदी। इसलिए आज अभी इसी वक्त मैं रोनी सिंह राठौर भगवान को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे होते हुए मेरी बहन को हार का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा और भगवान ना करे अगर मेरी बहन को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो उससे पहले परेशानी का सामना ये रोनी करेगा। रोनी, मैं जानती हूं कि तुम मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दोगे, ये साबित करने के लिए तुम्हें कोई प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस घर के लोगों पर नजर रखो, तब तक मैं देखती हूं कि उन्हें कैसे बचाना। ऐसे कब तक घूमता रहूंगा, घर से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। दादी वहां है और मेरे पीछे पता नहीं वो प्रज्ञा उसके साथ क्या कर रही होगी, पर मैं उस प्रज्ञा के सामने भी तो नहीं जाना चाहता ना, उसे देखता भी हूं तो क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का जो ये मेरे साथ ही हो रहा है। चाचा चाय पिलाना। मिस्टर अभी, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? अपने ही घर में पैसे चुराने के जुर्म में। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।